नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल, आप देख रहे हैं अंतरंग चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे बी फॉल्सिन सिरप के बारे में पूरी जानकारी। बी फॉल्सिन सिरप में कौन से कंटेंट है, कौन से प्रॉब्लम में दी जाती है, बच्चों को बड़ों को कौन से डोज में दी जाती है, क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में बी फॉल्सिन सिरप जो वेस्ट कोस्ट कंपनी द्वारा बनाई जाती है, काफी ट्रस्टेबल है, डॉक्टर द्वारा ज्यादातर प्रिस्क्राइब की जाती है। इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है, साथ में मैंगो फ्लेवर में बनाया है तो ताकि बच्चों को पसंद आए। इसका टेस्ट थोड़ा बिटर होता है, तो बी कॉम्प्लेक्स ऐसा एक विटामिन है जिसकी जो टेस्ट किसी को पसंद नहीं आता है। ये दवाई लेने के बाद भी बी कॉम्प्लेक्स ऐसा आपको जो डकारे आती है काफी बुरी होती है, तो इसके कारण इसने मैंगो फ्लेवर बनाया, काफी अच्छा है। इसकी एमआरपी की बात करें तो यहाँ पर 85 रुपये आपको मेडिकल स्टोर से मिल सकता है। ये थेरापिटिक डोज में अवेलेबल है, यानी कि प्रोफिलैक्टिक डोज होता है वो थेरापिटिक डोज होता है। थेरापिटिक डोज ज्यादातर जो बीमारियां होती है, ज्यादातर लंबी बीमारी, उसके अंदर तुरंत रिकवरी के लिए ऐसे थेरापिटिक डोज में कोई भी मेडिसिन बनाई जाती है। चलिए अब जानते हैं इसके अंदर जो डोज है, दो प्रकार के कंपोजिशन है जिसके अंदर खास है फोलिक एसिड और विटामिन B12। तो दोस्तों फोलिक एसिड के बारे में हम सब जानते हैं कि फोलिक एसिड एक प्रकार का फोलेट की डेफिशिएंसी जिसको भी होती है, जो पूरे हमारा डाइट जो होता है संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो ऐसा कारण हो सकता है, या फिर किसी स्टोमक की या फिर इंटेस्टिनल प्रॉब्लम के कारण भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है फोलेट का, तो भी दी जाता है, तो भी कारण हो सकता है फोलेट की डेफिशिएंसी। और फोलेट की डेफिशिएंसी कारण हो सकता है किसी को एनीमिया भी हो सकता है, जो RBC जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में ये फोलिक एसिड उसको देना जरूरी होता है। साथ में इसको इसके अंदर दूसरा जो है विटामिन B12 यानी साइनाकोबलमाइन। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण बहुत सी प्रॉब्लम होती है, हमारी वीडियो भी आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। खास करके जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होती है, लेकिन इसके अंदर B12 आप देख सकते हैं काफी कम है, 15 mcg। वैसे इसका बूस्टर डोज होता है साइनाकोबलमाइन का 1500 mcg होता है, जो एक बूस्टर डोज कह सकते हैं, जिसको कम्प्लीटली जो B12 की डेफिशिएंसी उसको दी जाता है। लेकिन ये थेरापिटिक यानी कि रूटीन प्रॉब्लम में अगर ली जाए तो ये सही है बच्चों के लिए। अब जानते हैं जो इसके अंदर जो हमने बताया, इस प्रकार से दोनों का काम, जो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो एक प्रकार का हम देख सकते हैं कि फोलिक एसिड के जो है एक RBC जो खास होता है रेड ब्लड सेल, जिसे हीमोग्लोबिन भी हम कहते हैं ब्लड के अंदर, उसको सिंथेसिस करने में DNA का सिंथेसिस हो या RBC का एक हेल्दी RBC, साथ में हार्ट को भी हेल्दी बनाने के लिए फोलिक एसिड और विटामिन B12 का कॉम्बिनेशन अगर दिया जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके कारण भी अगर कोई लंबी बीमारी है जैसे टाइफॉइड है या फिर डेंगू फीवर हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि जो उसको रिकवरी जो एक प्रकार की जो अशक्ति आ जाती है शरीर के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में ये दिया जाता है। चालू जो दवाई होती है उसके साथ में दिया जाता है, उसके बाद में भी इसको भी चालू रखा जाता है 15 दिन तक, ताकि जो एक प्रकार का जो वीकनेस हो गया है शरीर के अंदर उसको तुरंत कवर किया जाए। साथ में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी किया जा सकता है, इसके अंदर फॉलिक एसिड भी B12 है यानी कि न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है बीमारी के कारण, तो यह भी उसके अंदर कवर करता है। इस प्रकार से देखे तो जो फिजिकली जो इम्प्रूव करने के लिए इसको दी जाती है, यानी कि बॉडी जो बीमारी के कारण कमजोर हो गई है तो उसको तुरंत रिकवर करने के लिए, बीमारी से तुरंत ठीक करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है, बच्चे हो बूढ़े हो दोनों के लिए दिया जाता है। डोज इसका डिफरेंस हो सकता है। अब जानते हैं इसके डोज के बारे में, तो यहाँ पर मेंशन किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं चिल्ड्रन के लिए 102 टीस्पून पर ट्वाइस ए डे, यानी कि 1 से 2 चम्मच यानी कि 2.5 ml से 5 ml तक आपको एक से पांच साल के बीच में जो बच्चा है उसको दिया जाता है दो टाइम में। एडल्ट है यानी कि तो उसको 10 ml तक भी दिया जाता है सुबह शाम दो टाइम। इसका टेस्ट काफी अच्छा है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाए। इसका जो बिटर टेस्ट के कारण जो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कभी कभी नहीं पीते, लेकिन ये मैंगो फ्लेवर में तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, काफी टेस्ट में भी काफी अच्छा रहता है। ये देखिए काफी अच्छा अट्रैक्टिव प्लास्टिक पैक में बनाया जाता है, वेस्ट कोस्ट कंपनी का है। अब कुछ इसकी साइड इफेक्ट हो सकती है, कुछ खास नहीं है, लेकिन किसी को अगर इसका एक खास तो टेस्ट जो होता है, लेकिन इसके अंदर जो टेस्ट के अंदर देख सकते हैं मैंगो फ्लेवर है तो टेस्ट की प्रॉब्लम निकल जाएगी। वैसे बी कॉम्प्लेक्स का टेस्ट काफी बिटर होता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, लेकिन इसका टेस्ट के बारे में कोई देखने लायक नहीं है। इसके अलावा भी पेट में कभी भी गैस भी हो सकती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है ये लेने के बाद, तो ऐसी कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हो सकती है। बाकी कुछ एलर्जी किसी को बी कॉम्प्लेक्स का है तो किसी को हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स की एलर्जी बहुत रेयर केस में देखी जाती है। बाकी कुछ नहीं, इसका काफी अच्छा रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों खास करके जो किसी को बहुत एक प्रकार की जो इसको दी जाती है कौन से कंडीशन में, तो मैंने बताया इस प्रकार से बहुत अशक्ति हो गई शरीर में बीमारी के कारण, या फिर कोई चिंतित है, बहुत स्ट्रेस है, मानसिक तनाव में गुजर रहा है, शरीर में वीकनेस आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, लंबे समय तक भी दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका डोज हो सकता है, बाकी साइड इफेक्ट्स खास नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के साथ जो बी फॉल्सिन सिरप आती है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। आशा करूं वीडियो पसंद आएगी, कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।
मिलते हैं ऐसी नवरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।